नमस्कार, मैं सुशील पाल और एनडीटीवी इंडिया के खास शो चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। और चुनावी चर्चा में आज बात कर्नाटक चुनाव को लेकर। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि इस चुनावी नतीजों को विधानसभा के जो आगामी चुनाव हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। उसके साथ साथ इस चुनाव को आम चुनाव जो 2019 में होने वाले हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के जो योजनाएं और जो पिछले फैसले रहे हैं उन फैसलों से जोड़कर भी इस चुनाव के नतीजों को देखा जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव के अंदर अभी की जो ताज़ा स्थिति हमें मिल रही है, बीजेपी 108 सीटों के साथ में बनी हुई है, कांग्रेस को 73 और जेडीएस के 38। ये रुझान है जो हम आपको रुझान बता रहे हैं, और इसमें बीजेपी कर्नाटक के अंदर सरकार बनाती भी नजर आ रही है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस को समर्थन देने की घोषणा करी है, यानी कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर सत्ता में आ सकते हैं, कर्नाटक के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दावपेच होंगे राजनीतिक, वो कुछ देर में हमें मालूम पड़ेंगे। 4 बजे गवर्नर मुलाकात करेंगे। और कर्नाटक के चुनाव का जो असर है, चुनावी नतीजों का जो असर है, वो राजस्थान की राजनीति में कितना पड़ेगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं। और चर्चा के अंदर हमारे साथ शामिल हैं अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार क्षितिज गौर और जाकिर हुसैन। क्षितिज जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर कर्नाटक के जो चुनाव के नतीजे हैं, क्या इसको हम ये देखें कि दक्षिण के चुनाव पश्चिमी भारत के अंदर असर डालेंगे? राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के जो परिणाम आए उसका निश्चित तौर पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक लहर जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो एक द्वंद्व और जो एक कंटेस्ट चल रहा है, उस लहर का असर ना केवल कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा बल्कि जो वोटर है उनकी मानसिकता पे भी इसका असर डालेगा। जाकिर जी, राजस्थान के अंदर कर्नाटक के चुनावी नतीजे, कांग्रेस को जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन राजस्थान के अंदर जो कम सीटें मिली उसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के नेताओं में? कर्नाटक के जो नतीजे हैं उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हो सकता कुछ असर पड़े, लेकिन चूंकि चुनाव दिसंबर में है और इस बीच कम से कम 7 महीने का डिफरेंस है अभी। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर जिम्मेदारी थी, गुजरात चुनाव उन्होंने जिताया, उसके बाद कर्नाटक के अंदर भी पूरी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की थी और अशोक गहलोत लगातार राहुल गांधी के साथ वहां बने हुए थे, इसलिए निगाह राजस्थान के नेतृत्व को देखकर भी और आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने हैं और 1 महीने के अंदर चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो उसको देखकर नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश बढ़ जाता जैसे उपचुनाव में बढ़ गया था? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होते तो एक बड़ा ही स्वाभाविक सा बात है कि उनके मोराल हाई होते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस अपने बूते पे तो सरकार नहीं बना सकती, बीजेपी सरकार बना रही है। अब कर्नाटक के चुनाव का कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है अब तक के जितने भी चुनाव हुए, वो मुद्दों पे चुनाव तो लड़ती नहीं बीजेपी। बीजेपी डिवाइड करती है, अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड करती है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी, उसने वहाँ पे भी खेला, जिन्ना को लाए, जिन्ना की जो तस्वीर 80 साल से वहाँ लगी हुई थी उसको उन्होंने बड़े तेजी से हर चुनाव वो यहाँ पर भी यहाँ पर भी वो कोशिश करेगी। अब असर कितना होगा, क्योंकि वहाँ पे कर्नाटका में मुस्लिम आबादी 16% है, राजस्थान में लगभग 10 के आसपास है, तो उतना वो उसको ले जाएंगे। कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं राजस्थान में, बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी नहीं हैं जहाँ पे मुसलमान जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं, तो राजस्थान में मुद्दे वो कुछ और रखेंगे। मेरा इसमें कहना अलग है, इसमें आप मुद्दों को डिवीज़न को छोड़ दिया जाए, जो मैसेज कर्नाटक के चुनाव में दिया है वो ये दिया है बीजेपी ने कि जो उनका पोल मैनेजमेंट है, जो 2014 से जो पोल मैनेजमेंट इनका शुरू हुआ है, उस पोल मैनेजमेंट को इन्होंने बरकरार रखा है और कांग्रेस उसको भेद नहीं पाई है। और वह का वह पोल मैनेजमेंट अगर ये राजस्थान में जाते लेकर आते हैं तो यहाँ मुद्दे विहीन इलेक्शन होंगे, पोल मैनेजमेंट वही आरएसएस कैडर अपने अनुसार चलाएगा और
वो उस चीज़ की काट के लिए अभी प्रदेश कांग्रेस तैयार नहीं कर पाई है, ना वो कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर पाई है। कर्नाटका का पोल मैनेजमेंट अगर राजस्थान में लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक सोचने वाला विषय है। पर जिस तरीके से सचिन पायलट इस अभी के दौरान में बूथ तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने की स्थिति में तैयारी कर रहे हैं और अशोक गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर लिया गया, यानी कि गुजरात चुनाव के नतीजे हमने देखे, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम गुजरात में किया और कर्नाटक में भी उन्होंने काम किया। अब लेकिन एक सवाल इसमें बहुत बड़ा खड़ा होता है, इसमें जो आप सचिन पायलट को ला रहे हैं, सचिन पायलट निश्चित तौर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं। सचिन पायलट की सबसे बड़ी कमजोरी इस समय यह है कि वो जिला स्तर के ऊपर नेतृत्व खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वह सिर्फ अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आज कांग्रेस के पास जिला स्तर के ऊपर नेतृत्व क्षमता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से गुजरात में चुनावी काम किया, बढ़िया किया, कर्नाटक में किया, बढ़िया किया, राहुल गांधी के साथ जीत नहीं दिला पाए, लेकिन दोनों तरफ जीत नहीं दिला पाए। ये राहुल गांधी का दूसरा चुनाव है। अब इस दूसरे चुनाव के दौरान आपने अभी जो ताज़ा लेटेस्ट जो बयान आया वो ये आया है कि सोनिया गांधी ने आदेश दिया है जेडीएस को समर्थन देने के लिए, इसमें राहुल गांधी का कहीं भी नहीं आया, यानी कि जो निर्णय लेने की जो बात है वो राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा लेकिन सोनिया गांधी निर्णय ले। राहुल गांधी की छवि को बचाना बहुत जरूरी है कर्नाटक में मिलीजुली सरकार बीजेपी को रोकने के लिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी एज ए अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहला चुनाव ये लड़े थे। अशोक गहलोत जो थे उन्होंने गुजरात में भी चुनाव लड़ा और कर्नाटक में लगा, लेकिन कर्नाटक में 15 साल बीजेपी के राज के बावजूद दलित नेता इनके पास, पटेल नेता इनके पास भी, जो अशोक गहलोत कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पाए थे। कहीं ना कहीं सर लगता है जो आप बात कह रहे हैं उससे ये लग रहा है कि राहुल गांधी के अंदर वो नेतृत्व क्षमता नहीं है। नहीं, इनके पोल मैनेजमेंट, मैं तो ये कहूँगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि जो पोल मैनेजमेंट का पोल मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है। संगठन को इनको वापस से खड़ा करने की आवश्यकता है, संगठन में, क्योंकि कोई भी जनरल जो है बिना फौज के, बिना अपने सिपाहियों के जंग नहीं जीत सकता। देखिए एक 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 खबर और आ रही है जिसमें अभी तक कर्नाटक के चुनाव को लेकर कहीं भी ईवीएम हैकिंग की जो खबर है वो नहीं आई थी, लेकिन राजस्थान के जो सेवादल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राकेश पारीख, उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर कि यहाँ पर भी ईवीएम हैक की गई है और राजस्थान के अंदर ईवीएम हैकिंग होने नहीं देंगे। तो सर ईवीएम हैकिंग जैसी बात राजस्थान के अंदर बैठ कर सेवादल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं और अभी तक के चुनाव में कहीं भी ऐसी कोई खबर ये नहीं आई है। ऐसे ही बयान जो कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे और कांग्रेस पे सोचना होगा कि वो अगर हार होती है तो उसको स्वीकार करके अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके जो है लोगों के सामने जाएं। इस तरह के बयान जो है कांग्रेस के ही खिलाफ जाने वाले हैं। तो कर्नाटक के जाकिर जी, कर्नाटक के जो चुनावी नतीजे हैं ये अशोक गहलोत की सांख पर कहीं ना कहीं आँच डालेंगे? राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी सचिन पायलट के हाथ में होगी या अशोक गहलोत के हाथ में? देखिए क्योंकि अभी तक के जो दो चुनाव गुजरात के और कर्नाटक के, दोनों चुनावों में जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई। कर्नाटक में सचिन पायलट इतने तरीके से स्टार प्रचारक नहीं थे, गुजरात में हालांकि एक दो बार वो गए भी थे लेकिन स्टार प्रचारक कर्नाटक में नहीं गए थे। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर राजस्थान का चुनाव कांग्रेस ने जीतना है तो कमान एक ही आदमी के हाथ में देनी पड़ेगी, वो चाहे टिकट के सिलेक्शन को लेके हो, चाहे वो कैंपेन के तरीकों को लेके हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपके स्ट्रेटजीज को डिफाइन करने के तरीके हो, जब तक प्लानिंग अगर आप ये नहीं करके चलेंगे अपने आप, जब तक लोवेस्ट आपका जो बूथ लेवल पे जो काम कर रहा है आदमी उसको आप जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको मोबिलाइज नहीं करेंगे, आप चुनाव में फिर वही गलतियाँ दोहराएंगे, फिर वही आप दूसरी चीज़ों पर दोष मढ़ेंगे। ये आपको इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि दो सिपे सलार खड़े कर दे, आपको एक आदमी पे विश्वास करना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी पे तो एक पे यही तो ना, आप राजस्थान के अंदर कांग्रेस विश्वास किसके ऊपर करे? एक बार के लिए अभी 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 तक के जो विश्वास की बात थी तो उन्होंने सिद्धारमैया पे भी विश्वास किया कर्नाटक दी है। सचिन पायलट ने आपको एक लोकसभा की सीट जीत के दी है, दो लोकसभा सीट जीती है, एक विधानसभा सीट जीती है। अगर आप इन टोटल इनको सबको टोटल करेंगे तो 17 विधानसभा होती हैं, 17 विधानसभा में से एक विधानसभा आपके पास थी तो 16 तो आप जीते, नसीराबाद की विधानसभा सीट आपके पास थी। जाकिर साहब इसमें मेन बात है कि अगर कर्नाटक का पोल मैनेजमेंट बीजेपी को एज इट इज़ इस समय राजस्थान में रख दिया जाता है
जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन की, कैडर वाइज कैंपेन की, नीचे ग्रास रूट पे पकड़ की, अगर बीजेपी उसी प्रकार की कैंपेन आज राजस्थान में शुरू करती है तो क्या कांग्रेस के पास इसको काउंटर करने के लिए कुछ है? हाँ, इसमें मैं सर आप क्योंकि इशू अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी बिल्कुल ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार अमित शाह राजस्थान के अंदर कर्नाटक चुनाव के बाद में आ रहे हैं और यहाँ पर रहकर वो यहाँ पे चुनावी तैयारी करेंगे और प्रदेश में लगातार आपका नोटबंदी खत्म हो गया, आपका GST खत्म हो गया, आपके बलात्कार के मामले लेकर नहीं आए हो, आपने बात वहाँ क्या की है, जातिगत की बात की है, डिवीजन की बात, कांग्रेस तैयार है इस समय? मैं आपकी बात दो इस तरीके से कर, देखिए गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है एंटी इनकम्बेंसी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप कांग्रेस बीजेपी जो गुजरात में चुनाव लड़ रही थी तो उसके लिए भी जीतना उतना ही टफ था, उसके साथ दो चीज़ें थी साहब, दलित भी नाखुश थे, पटेल भी नाखुश थे और जो व्यापारी वर्ग है वो भी बीजेपी से केंद्र सरकार से नाखुश था, उसके बावजूद बीजेपी ने अपना मैनेजमेंट किया इस चीज़ को। भी लागू है नहीं, लेकिन गुजरात में एक चीज़ देखी गई, पटेल पहले पूरे कांग्रेस के साथ में दिखाई दे रहे थे और पटेल के नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मावी दोनों अभी राजस्थान के अंदर भी लगातार दौरे कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल भी लगातार अपना थर्ड फ्रंट खोलने की तैयारी में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपनी उस तैयारी में गुजरात के अंदर भी जीती, वो उसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर भी स्थिति मुख्य बात ये कि दलितों को लेकर, दलितों और मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से मुद्दा कांग्रेस बनाएगी या बीजेपी, बीजेपी मुद्दा बना देती है, कांग्रेस उसके पीछे भी चलती है, होना ये चाहिए कि कांग्रेस को मुद्दे बनाने चाहिए, जो विकास नहीं हुए, जिन शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया वहाँ काम नहीं हो रहे, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन अभी इस समय राजस्थान में आप देख लो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कांग्रेस संगठन पानी के मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठा पाई है, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पाई है कि भाजपा की सरकार पानी देने के लिए में फेल हो चुकी है। अब बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी चुनाव से पहले आएगी, अपना कोई मुद्दा लेकर आएगी, पाकिस्तान लाएगी, वो अपना मुद्दा लाएगी हिंदू और उस चीज़ को ही कांग्रेस फॉलो करती रहेगी। यानी कि आप कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको तैयार करना चाहिए, उठाना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो आज जो पैटर्न कर्नाटका का हुआ है वही पैटर्न अगर राजस्थान में आ जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत तकलीफ और मुश्किलों की बात। पर फिलहाल तो जिम्मेदारी सचिन पायलट की है, सचिन पायलट लग रहा आपको कहीं ठीक है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं, सचिन पायलट ने आम जनता के मुद्दे उठा भी रहे हैं, आम मुद्दों पे बोल भी रहे हैं और संगठन में ही काम कर रहे हैं, सचिन पायलट संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाम कहाँ हो रही है कांग्रेस सरकार, क्योंकि ये नाकामी है, आप किसी के साथ में मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, एक तरफ पहले चुनाव से पहले ये कोशिश रहती है कांग्रेस की, कांग्रेस साफ तौर से कहती है कि हम सरकार बनाएंगे और बहुमत से बनाएंगे, देखिए कांग्रेस धड़ेबाजी के चक्कर में, मेरा एक मानना धड़ेबाजी के चक्कर में जो है इस समय कांग्रेस में ज़्यादा फूट है, अलग अलग गुट बने हुए हैं और अलग अलग कार्यकर्ता उन गुटों को समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको उजागर करके कांग्रेस में ही आंतरिक कलह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक चीज़ आपने कर्नाटक चुनाव में देखी होगी सर, बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोर्स लगाकर अपनी पूरी सारे कैबिनेट के मिनिस्टर लगाकर रैलियों में ताबड़तोड़ रैलियाँ करी थी और मुद्दे की किसी भी पार्टी ने ना ही कांग्रेस ने बात करी ना ही भाजपा ने बात करी, तो कर्नाटक चुनाव में क्या आम मुद्दे और वही चीज क्या राजस्थान के अंदर भी होगी कि आम मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, जैसे स्मार्ट सिटी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे नहीं है क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और किसी भी पार्टी ने इन मुद्दों को शायद इन मुद्दों पे बात नहीं की, पब्लिक सुनना नहीं, इसका रीजन ही है कि सरकार को फ्रैक्चर मैंडेट दिया, मतलब आप अगर उस तरीके को उसको अगर रिजल्ट्स को ऐसे देखेंगे तो कर्नाटक की जनता ने किसी भी पार्टी को नहीं कहा कि आप हम पे हुक्म करिए, किसको कहा मुझे बताइए आप, बीजेपी को उन्होंने 107 के आसपास रोक दिया, उससे नीचे कांग्रेस को रोक दिया, उससे नीचे JDS को रोक दिया, यही तो मेन पार्टीज तो जो चुनाव लड़ रही थी और वो पूछ रही थी जनता से कि हमें आप मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, लेकिन जनता ने किसी एक को तो दिया ही नहीं ना, तो इसका मतलब ये है कि जनता चाहती है कि उनके मुद्दे उठाए जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है, लोग बहकते हैं बिकॉज पॉलिटिकली, इसमें एक पॉलिटिकली जाकिर साहब इसमें एक मैं चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, यूपी के अंदर भी हमने देखा बीजेपी कहीं भी मायने नहीं रखे मुद्दे, शायद उत्तर प्रदेश देख लो चाहे आप कर्नाटक देखो, बीजेपी को ये मालूम है कि कौन से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो वोट ला सकेंगे और वो डिसीजन यानी नाराज हैं कांग्रेस से या जिनको कांग्रेस से तोड़कर
अपने साथ मिला के फायदा लगा सकता है, जैसे रेड्डी बंधुओं का मुद्दा कर्नाटक में लगा। लोग बीजेपी मार है, ये कांग्रेस नहीं पहचान पा रही है कि इससे की अगर हमारी नाराजगी है तो इसको कैसे मना के वापस घर लाया जा सके। लेकिन बीजेपी क्या करती है, वो ये देख लेती है कि ये व्यक्ति ताकतवर कितना, रेड्डी वाला मुद्दा जो भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की कर्नाटक में, लेकिन उनका चला नहीं। रेड्डी बंधुओं के जो क्षेत्र है उससे बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है कर्नाटक। देखिए, भ्रष्टाचार तो अब कोई मुद्दा रहा ही नहीं, भ्रष्टाचार कर्नाटक में, अब आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, किसी ने उस मुद्दे को लिया नहीं और किसी ने सीरियसली उस पर वोट भी नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं सर, क्या मतलब रेड्डी मुद्दे जो है नहीं है मुद्दे, अब नहीं रहे। यानी कि जात सबसे ऊपर हो गई हमारे देश में, धर्म सबसे ऊपर हो गया है, गाय सबसे ऊपर हो गई है, अगर अगर तस्वीरें सबसे ऊपर हो गई हैं। अगर भ्रष्टाचार ही मुद्दा होता तो रेड्डी बंधु और येदियुरप्पा ये लोग जीतते नहीं चुनाव, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव भ्रष्टाचार से अब इतने इम्यून हो गए, चिल्लाइए आप भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार चुनाव बेसिकली अब मैनिफेस्टो पे नहीं हो रहे, मैनेजमेंट के तरीके से जीता जा रहा है। मतलब अगर आप चुनाव जीतने की शक्ति इसको एक प्रोफेशनल तरीके से ले जा रहा है, परसेप्शनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दिखाते ये हैं कि आपका फायदा क्या होगा। तो चुनाव में जो बदलाव लेकर आई है बीजेपी, इसके साथ कदम ताल कांग्रेस नहीं कर पा रही है, और यही कारण है कि जो कांग्रेस को कर्नाटक में इतना अच्छा माहौल बनने के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी, राहुल गांधी की इतनी सारी रैलियां करने के बाद भी वो परिणाम नहीं मिले जो कि एक आंकलन आम आदमी लगा रहा था। प्रदेश के अंदर सर अपन कर्नाटक के चुनाव को किस नज़रिए से देखें, क्या चुनावी रणनीति बदलेगी, क्योंकि इन चुनाव के नतीजे के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, भाजपा का संगठन पूरी तरीके से फेरबदल होगा, कांग्रेस संगठन में फेरबदल कर रही है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ देखी जा रही है, जैसे कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ताओं को जगह मिलनी चाहिए वो जगह संगठन में नहीं मिल रही है। अभी 400 मंडल अध्यक्ष की लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद में महिला के अंदर भी इनमें परिवर्तन हुआ, उसके साथ साथ अब जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे, नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान होगा, तब बीजेपी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये दोनों का जो तालमेल है वो तालमेल राजस्थान में कैसा रहेगा? देखिए, दोनों को तालमेल से काम करना पड़ेगा। अगर उनको अगर राजस्थान को जीतना है तो वो इस बात पे तो अब कर ही नहीं सकते कि हम दोनों जो है एक दूसरे के ही खिलाफ कुछ कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो उनका वो देखिए, जिस नाव में अगर आप सवारी कर रहे हैं उसी में छेद करेंगे तो डूबेंगे तो आप भी ना। आपके आपका आपकी आपका वजूद क्या है? आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से सीएम रहे, ये तो आपका आपकी रिकॉग्निशन। अगर आप उसी को ख़त्म कर देंगे, अगर कांग्रेस ही हार जाएगी तो आपको उसका बचेगा, सीएम तो नहीं बनेंगे ना आप। तो आपको ये काम तो करने पड़ेंगे कि कांग्रेस के लिए लड़ेंगे आप, लेकिन लड़ेंगे यूनाइटेड। अब बात रह गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं बनाया। ठीक है, ये आप किसी एक को ही बना दीजिए, दूसरा कहेगा ये गलत बन गया। कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज लोग बाग एक बार सोच के देखिए ना सर, कर्नाटक राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के पास 70 साल तक देश में राज किया, उसके बावजूद उनके पास पार्टी के पास में शहर में कहीं भी दफ्तर तक नहीं है कांग्रेस के पास में। और एक महत्वपूर्ण बात और कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अंदर सीएम कैंडिडेट जो है, यानी कि वो अभी तक तय नहीं है। यानी कि राजस्थान भाजपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोबारा सीएम कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राजस्थान में ये जो दो उपचुनाव हुए, ये उपचुनाव कांग्रेस सिर्फ उसी तरीके से जीती जैसे भाजपा अपने इलेक्शन जीतती आई है। उन्होंने जातिगत का कार्ड खेला, अपर कास्ट को जो तोड़ा, जाटों से अलग किया, और रघु शर्मा के फेवर में जो अपर कास्ट था, जो बीजेपी को वोट देता आ रहा था, उसने जाति के कारण रघु शर्मा को वोट दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अगर 8 विधानसभा सीटें अजमेर ज़िले की, अगर इसमें आज चुनाव करा लिए जाएं तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस 8 में से 4 भी उसको जीत सकती हो, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी स्तर के ऊपर तैयारी नहीं है। कांग्रेस के बाई इलेक्शन की जीत सिर्फ कास्ट बेस के ऊपर हुई थी, और दूसरा बीजेपी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस को इसकी तैयारी ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेगी। इन्होंने बूथ लेवल पे मेरा बूथ मेरा गौरव जैसे कार्यक्रम चलाएं जो बीजेपी की तर्ज पे चलाएं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह इनके बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे। इनको इस तरह का मैनेजमेंट करना होगा कि इनके हर बूथ पे, हर विधानसभा में ना केवल नेतृत्व रहे बल्कि कार्यकर्ताओं की टीम भी इनके पास मिले।
प्रदेश कांग्रेस के अंदर सर आप मान चल रहे सीएम कैंडिडेट सबके बारे होंगे इस बार, मतलब चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये लगभग तय है। सचिन पायलट होते हैं तो एक अच्छे तो अगर अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और अगर अगर कांग्रेस जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा चेहरा नहीं है, बीजेपी का सेकंड लाइन तैयार नहीं है। बीजेपी आपने अभी दो तीन दिन पहले भी सुना है अखबारों में था कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, ये अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये है। अब आगे अगर ये चेंज करते हैं तो नहीं, जाकिर साहब बीजेपी कभी भी जो चुनाव लड़ती है ना वो लोकल मुद्दे को लेकर नहीं लड़ती, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ती है। और उसके बाद वो ये बात राजस्थान का चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ेगा, ये बात तो तय है कि चुनाव जो होगा वो नरेंद्र मोदी लड़ेगा, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री की जरूरत है कहां पर प्रदेश के अंदर, अगर प्रधानमंत्री के मुद्दे पे सब राज्य राजस्थान विधानसभाओं के, देखिए विधानसभाओं के चुनाव लड़े जाते हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। लोकतंत्र के अंदर अगर हम ये कहें कि हमें संसद का आदमी राज्य की सरकारें चलाएगा तो फिर समझ में कहां आती है सर, फिर जरूरत है कहां राज्यों के अंदर सरकारों की। नहीं लेकिन अभी तक तो बीजेपी उसी पे काम कर रही है, लेकिन आज भी तो लीडर भी नहीं बीजेपी से वोट कैच कर पाई। येदियुरप्पा जो कर्नाटका में मुख्यमंत्री हैं बनने जा रहे हैं, वो जब कैंपेन कर रहे थे तो कर्नाटका में बीजेपी की कैंपेन कहीं नहीं था, नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी के उस कैंपेन में एंट्री और एग्जिट के बाद जो सिनेरियो बदला हुआ है उसमें अगर ये येदियुरप्पा जी के और उनके लोगों के कैंपेन के ऊपर अगर बीजेपी जाती तो ये मेरे ख्याल से ये जो रिजल्ट्स हैं आपके सामने ये भाजपा 70 के आसपास अटकी हुई होती है। कांग्रेस अस्वस्थ थी, सही बात है, आज से 15 दिन पहले कांग्रेस कर्नाटक में था ही नहीं वहाँ, मतलब हम लोगों ने भी बात की लोगों से तो वहाँ पे ये था कांग्रेस में तो लार्जेस्ट पार्टी हंग असेंबली सब कर रहे थे और कांग्रेस में लार्जेस्ट पार्टी थी। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी के एंट्री और एग्जिट के बाद जो चेंज हुआ है, चेंज हुआ, बदला हुआ है निश्चित तौर पर, वो रिजल्ट्स हैं ये जो 20-30 सीटें बढ़ी हैं राजस्थान में ही आ रहे। राजस्थान का जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं दिखता है, वो वसुंधरा राजे से नाराज दिखाई देता है, उसको विश्वास अभी भी नरेंद्र मोदी में जो बीजेपी तो का यही तो बात हम कर रहे हैं सर कि मतदाता है मुख्यमंत्री के उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री के ऊपर, और वापस से चुनाव अगर उसी मुख्यमंत्री दाव उसी मुख्यमंत्री पे खेला जाएगा तो फिर क्या भाजपा को फायदा मिलेगा? देखिए मेरे को अगर मैं जो अब एनालाइज कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी, वो नरेंद्र मोदी के ही इमेज पे चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद वो किसी अगर वो जीतते हैं चुनाव तो वो किसी ऐसे आदमी को जो संघ से ज़्यादा नज़दीकियाँ रखता होगा उसको। नहीं, इसमें मैं आपसे डिफर रखता हूँ, आज वसुंधरा राजे के खिलाफ बीजेपी का कार्यकर्ता होगा लेकिन जो जातीय समीकरण आज वसुंधरा राजे को मालूम है और जिसने बना रखे हैं जो जाट को लेके राजपूतों को लेके जिस तरह का संगठन जो जातीय समीकरण वसुंधरा ने बना रखे हैं वो समीकरण अमित शाह को आके बनाने में काफ़ी समय लगेगा, उसको बहुत फायदा अमित शाह को बहुत फ़ायदा मिलेगा वसुंधरा राजे के इस जाति के समीकरण से। वसुंधरा से भले ही आज कार्यकर्ता नाराज हो लेकिन उसकी पकड़ वसुंधरा की पकड़ आज भी जातीय समीकरणों पे है, निश्चित तौर पर है राजस्थान में। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि प्रदेश के अंदर 3-4 मोर्चे इन दिनों खुले हुए हैं, यानी कि गुर्जर आंदोलन अपनी तैयारी पे है, महापंचायत की बैठक अभी चल रही है, महापंचायत में बैसला का भाषण चल रहा है और उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल जाटों को लेकर अपना बिल्कुल थर्ड फ्रंट पूरी मजबूती के साथ खोल चुके हैं, उनकी जो रैलियाँ हो रही है उसके अंदर जनसमूह ऐसे जुट रहा है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है कि राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। जब इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतनी सारी पार्टी आ जाएंगे लड़ेंगे चुनाव, तो दोनों में से किस पार्टी को नुकसान होगा और क्या थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज़ प्रदेश में होगी? देखिए कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए जो भी बीजेपी का जो कोर सत्ता के खिलाफ जो इंटैक्ट रहता है वो मतलब सत्ता के खिलाफ जितने भी ज्यादा जने होंगे जो भी वोट बैंक या शेयर होगा वो सत्ता से ही होगा, तो हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो। लेकिन ये मानना है हनुमान कांग्रेस को नुकसान होगा, हनुमान बेनीवाल जो काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो वसुंधरा राजे ने या बीजेपी ने सीआर चौधरी को मृधाओं के बाद जो है नागौर में जो जाट बोल ले सीआर चौधरी को वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है। आज सीआर चौधरी वहाँ पे एक जाट नेता की तरह पे चल रहे हैं। गुजरों के आंदोलन को अगर आप देखोगे भरतपुर साइड में तो जो मीणाओं की जो इन्होंने उसको लिया है बीजेपी में
मीणाओं का वोट बैंक एक तरीके से वापस से बीजेपी की तरफ आया है। तो बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जो कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, दलित वोट बैंक आया है बीजेपी के पास ऐसे मीणाओं का, मीणाओं का जो वोट इन्होंने किरोड़ीमल मीणा को जो लिया है उससे मीणाओं के वोट बैंक। मीणाओं में भी सर राजस्थान के अंदर दो बेल्ट है, एक डूंगरपुर उदयपुर और बांसवाड़ा साइड वाली हमारी बेल्ट होती है और एक बेल्ट हमारी अलवर के आगे वाली। ये जो भरतपुर और ये ब्याना और ये साइड वाली जो है ना, ये एक मुश्त मीणाओं की बेल्ट है। ये जो मीणा है ये बटे हुए मीणा है, इधर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है ये बटे हुए मीणा है, लेकिन ये जो ब्याना और भरतपुर और इधर इस तरफ की सवाई माधो के ये मीणा अभी भी एक है, एक मुश्त है और इनको मालूम है एक रहने से ही हमको राजनीतिक फायदे मिलेंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस में भी कद्दावर मीणा नेता है, ऐसी बात नहीं कि किरोड़ीलाल मीणा ही एकमात्र जो है। उदयपुर के कांग्रेस के कई जो दलित नेता हैं वो उन्होंने पिछली सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, वो लोग भी। देखिए मेरी बात, मीणा उसके साथ जाएंगे जो उनको इस बात की गारंटी देगा कि उनको ज़्यादा पावर शेयर मिलेगा। जाट भी जाटों ने अभी तक तो यही कोशिश कर रखी है कि उनका कोई आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए। अनुमान बेनीवाल है ना उसके अंदर? नहीं, अनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री के मुख्य बैठा है कि इस बार हमें बिल्कुल अनुमान बेनीवाल अगर आज कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेना तो अनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री का मामला नहीं है अनुमान बेनीवाल, ठीक है मंत्री तक तो समझ में आता है, मगर मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री के वो है, लेकिन जाट समुदाय तो सोच के बैठा है कि हम वो अपने आप को जाट नेता स्थापित करना चाहते हैं और पूरे जाटों को एक साथ लाना चाहते हैं। लेकिन जाटों को अगर एक साथ लाओगे तो दूसरे लोग बाग जो हैं वो फिर भाई आप अगर पोलराइज हो जाएंगे, दूसरे एक साथ हो जाएंगे, ये हर जाट बेल्ट में ये है। लेकिन हमें समझ में एक बात, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जागीर साहब इस बार आप देखोगे तो राजपूत जो कम्युनिटी है वो बीजेपी से टूट के अलग हुई है। हाँ, राजपूत कम्युनिटी ये समीकरण पिछले दो तीन साल में बदले, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजपूत से बनाएगी। नहीं वो कुछ देखिए, जब ये यतेंद्र सिंह शेखावत को जब जो MP हैं मंत्री हैं जब उनका नाम आया तो वसुंधरा राजे ने उसके नाम को वीटो किया, तो उस बात से राजपूत नाराज हैं और राजपूत अब उन्होंने राजपूत करणी सेना ने श्री करणी सेना ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि वो राजपूतों के किसी आदमी को अध्यक्ष बनाएं। तो राजपूत नाराज हैं वसुंधरा राजे से। देखिए राजपूत बेसिकली कोर बैंक है बीजेपी का, बीजेपी कोर बैंक, वो वोट बैंक है बीजेपी का, वो वोट हमेशा बीजेपी को देता है। लेकिन अगर वो नाराज पिछले चुनाव में थे तब उपचुनाव में भी नाराज थे, चुनाव में नाराज थे तो उन्होंने वोट किया अगेंस्ट में, अगर वो ये नाराजगी जाहिर अगर जारी रहती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर राजपूत जो बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देने देता है वो वोट देने ही नहीं जाएगा। नाराज तो ब्राह्मण भी है सर, घनश्याम तिवाड़ी भी नाराज है और घनश्याम तिवाड़ी के साथ एक अच्छा खासा जनसमूह है ब्राह्मणों। नहीं ब्राह्मण देखिए अगर वैसे देखा जाए तो राजपूत बीजेपी से तो इस वक्त अभी सब नाराज है, जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, राजपूत नाराज है, मीणा नाराज है, बीजेपी सबको मना लेगी। लेकिन ये तय है कि आने वाले चुनाव में नाराज मुस्लिमों को नहीं मनाया जाएगा, ना कांग्रेस मनाएगी ना बीजेपी मनाने का प्रयास करेगी। देखिए मैं करीन की बात को बता अभी आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा कि देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा राजस्थान के चुनाव में कि क्या बीजेपी अपने दो जो उनके मंत्री हैं अभी, एक मंत्री हैं और एक MLA हैं हबीबुर रहमान और यूनुस खान, क्या उनको टिकट देती है? क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटका में 16% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी एक आदमी को टिकट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया सर, उत्तर प्रदेश में 24% की आबादी होने के बावजूद भी आपने एक आदमी को टिकट नहीं दिया। यानी कि राजस्थान में तो है लेकिन सर मंत्री मुस्लिम मंत्री। अब 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 मैं तो ये वही कह रहा हूँ, मैं मतलब आपने दो चुनाव देख लिए ना, आपने गुजरात में किसी एक आदमी को टिकट नहीं दिया, आपने यूपी में नहीं दिया, आपने कर्नाटक, अब ये देखना होगा राजस्थान में, अब क्या राजस्थान में चुनाव के प्रत्यक्ष उतारती है नहीं। मेरे को नहीं लगता क्योंकि अगर जो अगर उनके ट्रेंड है अमित शाह का और मोदी का, देखिए ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बाकी ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। आप किसी भी प्रदेश की 16% आबादी को अगर आप इग्नोर करते हैं, उसको भागीदारी देना ही नहीं चाहते सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, आप सबको देंगे, आप SC को देंगे, आप ST को देंगे, आप छोटी से छोटी जाति को भी देंगे, लेकिन आप मुसलमान को नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान। लेकिन सर आप एक चीज़ सोच के देखिए ना, हमारे देश की राजनीति में से
यानी कि अब धर्म और जात की जो राजनीति है वो सर्वोपरि हो गई है और लोगों के लिए भी हो गई है, जबकि इससे उनके राजनीति होनी चाहिए। यानी कि मुद्दों की आज आप इसमें आखिर साहब देखोगे ना, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उपचुनाव के समय आती है और माइक्रो कास्ट के ऊपर आ जाती है कि ब्राह्मणों में भी कौन सा ब्राह्मण है या दलित में भी कौन सा दलित है। मतलब ये जो माइक्रो कास्ट की जो बातें आ रही है राजनीति में, मुझे लगता है ये देश के लिए भी हानिकारक है। लेकिन राजनीतिक दल की मजबूरी ये है कि अगर वो ये इंजीनियरिंग शुरू ना करें, ये चीज़ें शुरू नहीं करें, मैनेजमेंट शुरू नहीं करें, तो उनका वोट बैंक नहीं बन पाता है। क्योंकि फिर बात आ जाती है मुद्दों की राजनीति की बात में, लोग मुद्दों की बात करेंगे कि मेरे घर पर सड़क नहीं है, मेरे घर पर पानी नहीं आया, मेरे घर में बेरोजगारी है। और सत्ताधारी कहते हैं 70 साल से तो दूसरी सरकार थी, अब क्या करेंगे। देखिए ये 70 साल से तो ये खुद तो कुछ करा नहीं इन्होंने 4 साल। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि ये जब चुनाव आते हैं तो ऐसा धुआं और वैसा आवरण कर देते हैं कि मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती। कुल मिला के धुआंधार कर्नाटक के चुनाव में मुद्दों पे बात ही नहीं हुई, धुआंधार होगा। राजस्थान का भी चुनाव, महंगाई भी बात की, धुआंधार होगा, धुआंधार होगा। देखिए मैं आपको अब भी कह रहा हूँ कि राजस्थान का चुनाव बिना मुद्दों के लड़ा जाएगा, मुद्दे बिल्कुल नहीं उठेंगे। यहाँ मुद्दे होंगे गाय का, मैं अगर यहाँ गाय का मुद्दा होगा देख लीजिए आप, मतलब यहाँ पे मुद्दे वो होंगे जो नॉन इश्यूज हैं, इनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलती है राजस्थान में। लेकिन जाकिर साहब इसमें थोड़ा सा बदलाव है। आप राजसमंद का अगर मामले का आपको याद हो, राजसमंद वाले मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने के पूरे प्रयास किए गए थे, यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्री भी उस वाले मामले पे गए थे जबकि इन्होंने उदयपुर में कहा था। लेकिन राजस्थान की जनता मैं मानता हूँ थोड़ी अलग है। देखिए मैं जनता पे कोई जनता पे हमें तो मीडिया भी सर बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे पोलराइज करने की और ये होगा। यहाँ धर्म के से ज़्यादा जाति की राजनीति चलेगी क्योंकि राजस्थान जाति को लेकर बटा हुआ है, धर्म को लेके यहाँ पे इतना, क्योंकि गांव-गांव और शहर-शहर में जो हिंदू है मुस्लिम है वो साथ साथ है। यहाँ पे प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन धर्म को लेके राजनीति नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ जाति को लेके राजनीति जरूर होगी। और मुख्य मामला जो आएगा वो दलित और स्वर्णों का आएगा, क्योंकि दलित यहाँ ज़्यादा में है और पिछली बार 2 अप्रैल को जो बंद हुआ था उसको लेके जो आपस में रिफ्ट पैदा हुआ है वो उसको बनाने का प्रयास किया। इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा बुराने की कोशिश भी कर रही है, जातीय राजनीति चलेगी। राजस्थान में SC का बहुत बड़ी आबादी है ST, तो आप वो अगर देखेंगे SC ST की सीटों को अगर आप देखें तो लगभग 60-65% के आसपास हैं टोटल, तो अगर वो इतना बड़ा एरिया जो है वो दूसरी पार्टी। इसमें भी जैसे अभी गुर्जर समुदाय एकदम से खड़ा हुआ है आरक्षण का मामला भी कहीं ना कहीं सर, क्योंकि अपनी मांग रखेगा क्योंकि चुनाव सर पे हैं तो सरकार लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं सचिन पायलट की देन है, सचिन पायलट ने खड़ा किया। सचिन पायलट व्यक्तिगत रूप से सचिन पायलट गुजर हैं इसलिए आप आक्षेप लगा सकते हैं कि उन्होंने किया, लेकिन ऐसा देखिए राजनीतिक स्तर पे नहीं लगाएंगे वो तो वो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। लेकिन इसमें एक चीज़ है सुशील जी, बात आती है जैसे आप अगर डांगावास वाला मामला देखेंगे तो डांगावास ऐसी जगह पे जहाँ पे जाट बहुल्य हैं और एट्रोसिटी हुई, जो मामला हुआ वो दलितों के साथ हुआ। ऐसे मामले में आप देखोगे तो BJP और कांग्रेस दोनों ने ही चुप्पी साधे रखी, लेकिन क्योंकि वो जाट को नाराज नहीं करना चाहते। और जाट के लिए अगर बोलेंगे, जाट के फिर में बोलेंगे तो दलित नाराज होते हैं उनसे। तो सर कर्नाटक से इस वक्त ना दो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि JDS ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया और उसके साथ साथ में BJP भी अब JDS के साथ संपर्क बना रही है, अमित शाह इसके अंदर एक्टिव हो गए हैं और BJP JDS के साथ बनाएगी सरकार, क्योंकि सरकार बनाने की सारी कोशिशें उनकी पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने हर जगह ऐसे ही बनाया है, तो इस बार भी JDS, वैसे कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है JDS ने। आपको क्या लगता है राज्यपाल किसको बुलाएंगे? राज्यपाल गुजरात के राज्यपाल है, मैं आपको नाम बता दूँ, वजूभाई वाला है गुजरात के राज्यपाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि कर्नाटक में राज्यपाल BJP को इनवाइट करेंगे, ये तय है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे। लेकिन देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे नहीं, वो BJP को इनवाइट करेंगे ये पक्की बात है। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट अगर ये प्रेसिडेंट को फॉलो करते तो वो हमें कर सकते थे,
त्रिपुरा वहाँ पे मिजोरम में कर सकते थे, सब जगह कर सकते थे, लेकिन वहाँ किया नहीं उन्होंने। दो तीन जगह ये इस तरह के किया कि भाई वहाँ कांग्रेस की ज़्यादा सीटें, लेकिन कांग्रेस की इन्विटेशन नहीं मिला। देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी ये तय है। और सेटिंग आपको क्या लगता है होगी? सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने सारे उसूलों को ताक पे रख चुकी है। सुचिता की बात करते थे वो इनमें नहीं बचा है। ये बात करते थे साफ पॉलिटिक्स की, लेकिन फिर भी जीत रही है। जिस तरह कर्नाटका में उनकी जो उपस्थिति नहीं थी, लेकिन और इस प्रकार के आंकड़े लाना आप, ये बीजेपी बधाई के पात्र है कि नहीं साहब? लोकतंत्र में तो नंबर है ना, संख्या बड़ी सब कुछ है लोकतंत्र में। जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स अच्छी है इस बात, ये बात मान लीजिए। हो सकता है कुछ लोग अभी शायद वो तिलिस्म उनके दिमाग से नहीं निकला है या नीट बिल्कुल थर्ड फ्रंट पूरी मजबूती के साथ पहुंच चुके हैं। उनकी जो रैलियां हो रही है उसके अंदर जनसमूह ऐसे जुट रहा है, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है कि राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। जब इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतनी सारी पार्टी आ जाएंगे, लड़ेंगे चुनाव, तो दोनों में से किस पार्टी को नुकसान होगा और क्या थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज़ प्रदेश में होगी? देखिए कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए जो भी बीजेपी का जो कोर सत्ता के खिलाफ जो इंटैक्ट रहता है, वो मतलब सत्ता के खिलाफ जितने भी ज्यादा जने होंगे, जो भी वोट बैंक या शेयर होगा वो सत्ता से ही होगा। तो हो सकता है बीजेपी को नुकसान, लेकिन ये मानना है अनुमान, कांग्रेस को नुकसान होगा। अनुमान बेनी वाला जो काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो वसुंधरा राजे ने या बीजेपी ने सीआर चौधरी को मृधाओं के बाद जो है नागौर में जो जाट बोल ले, सीआर चौधरी को वहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है। आज सीआर चौधरी वहाँ पे एक जाट नेता की तरह पे चल रहे हैं। गुजरों के आंदोलन को अगर आप देखोगे भरतपुर साइड में, तो जो मीणाओं की जो इन्होंने उसको लिया है बीजेपी में, मीणाओं का वोट बैंक एक तरीके से वापस बीजेपी की तरफ आया है। तो बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, जो कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, दलित वोट बैंक आया है बीजेपी के पास, मीणाओं का जो वोट इन्होंने किरोड़ीमल मीणा को जो लिया है, उससे मीणाओं के वोट बैंक। मीणाओं में भी सर राजस्थान के अंदर दो बेल्ट है, एक डूंगरपुर उदयपुर बांसवाड़ा साइड वाली हमारी बेल्ट होती है, और एक बेल्ट हमारी अलवर के आगे वाली है। ये जो भरतपुर और ये ब्याना और ये साइड वाली जो है ना, ये एक मुश्त मीणाओं की बेल्ट है। ये जो मीणा है ये बटे हुए मीणा है, इधर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है ये बटे हुए मीणा है, लेकिन ये जो ब्याना और भरतपुर और इधर इस तरफ की सवाई माधो के, ये मीणा अभी भी एक है, एक मुश्त है, और इनको मालूम है एक रहने से ही हमको राजनीतिक फायदे मिलेंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस में भी कद्दावर मीणा नेता है, ऐसी बात नहीं कि किरोड़ीलाल मीणा ही एकमात्र जो है। उदयपुर के कांग्रेस के कई जो दलित नेता हैं वो उन्होंने पिछली सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, वो लोग भी। देखिए मेरी बात, मीणा उसके साथ जाएंगे जो उनको इस बात की गारंटी देगा कि उनको ज़्यादा पावर शेयर मिलेगा। जाट भी जाटों ने अभी तक तो यही कोशिश कर रखी है कि उनका कोई आदमी मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए। हनुमान बेनीवाल है ना उसके अंदर? नहीं, हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री के हनुमान बेनीवाल अगर आज कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लेना तो हनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री का मामला नहीं है हनुमान बेनीवाल, ठीक है मंत्री तक तो समझ में आता है, मगर मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं कह रहा मुख्यमंत्री के वो है, लेकिन जाट समुदाय तो सोच के बैठा है कि हम वो अपने आप को जाट नेता स्थापित करना चाहते हैं और पूरे जाटों को एक साथ लाना चाहते हैं। लेकिन जाटों को अगर एक साथ लाओगे तो दूसरे लोग बाग जो हैं वो फिर भाई आप अगर पोलराइज हो जाएंगे, दूसरे एक साथ हो जाएंगे, ये हर जाट बेल्ट में ये है। लेकिन हमें समझ में एक बात, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जागीर साहब, इस बार आप देखोगे तो राजपूत जो कम्युनिटी है वो बीजेपी से टूट के अलग हुई है। हाँ, राजपूत कम्युनिटी ये समीकरण पिछले दो तीन साल में बदले, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजपूत से बनाएगी। नहीं वो कुछ देखिए, जब ये यतेंद्र सिंह शेखावत को जब जो MP हैं मंत्री हैं जब उनका नाम आया तो वसुंधरा राजे ने उसके नाम को वीटो किया, तो उस बात से राजपूत नाराज हैं। और राजपूत अब उन्होंने राजपूत करणी सेना ने श्री करणी सेना ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को कि वो राजपूतों के किसी आदमी को अध्यक्ष बनाएं। तो राजपूत नाराज हैं वसुंधरा राजे से। देखिए राजपूत बेसिकली कोर बैंक है बीजेपी का, बीजेपी कोर बैंक वो वोट बैंक है बीजेपी का, वो वोट हमेशा बीजेपी को देता है।
लेकिन अगर वो नाराज पिछले चुनाव में थे तब उपचुनाव में भी नाराज थे, चुनाव में नाराज थे तो उन्होंने वोट किया अगेंस्ट में, अगर वो ये नाराजगी जाहिर अगर जारी रहती है तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर राजपूत जो बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देने देता है वो वोट देने ही नहीं जाएगा। नाराज तो ब्राह्मण भी है सर, घनश्याम तिवाड़ी भी नाराज है और घनश्याम तिवाड़ी के साथ एक अच्छा खासा जनसमूह है ब्राह्मणों। नहीं ब्राह्मण देखिए अगर वैसे देखा जाए तो राजपूत तो बीजेपी से तो इस वक्त अभी सब सब नाराज है, जाट नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, राजपूत नाराज है, मीणा नाराज है, बीजेपी सबको मना लेंगे, लेकिन ये तय है कि आने वाले चुनाव में नाराज मुस्लिमों को नहीं मनाया जाएगा, ना कांग्रेस मनाएगी ना बीजेपी मनाने का प्रयास करेगी। देखिए मैं करीन की बात को बता अभी आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा कि देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा राजस्थान के चुनाव में कि क्या बीजेपी अपने दो जो उनके मंत्री हैं अभी, एक मंत्री हैं और एक MLA हैं हबीबुर रहमान और यूनुस खान, क्या उनको टिकट देती है? क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटका में 16% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी एक आदमी को टिकट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया सर, उत्तर प्रदेश में 24% की आबादी होने के बावजूद भी आपने एक आदमी को टिकट नहीं दिया। यानी कि राजस्थान में तो है लेकिन सर मंत्री मुस्लिम मंत्री। अब 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 मैं वही कह रहा हूँ, मतलब आपने दो चुनाव देख लिए ना, आपने गुजरात में किसी एक आदमी को टिकट नहीं दिया, आपने यूपी में नहीं दिया, आपने कर्नाटक, अब ये देखना होगा राजस्थान में, अब क्या राजस्थान में चुनाव के प्रत्यक्ष उतारती है नहीं। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर जो अगर उनकी ट्रेंड है अमित शाह का और मोदी का, देखिए ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बाकी ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। आप किसी भी प्रदेश की 16% आबादी को अगर आप इग्नोर करते हैं, उसको भागीदारी देना ही नहीं चाहते सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, आप सबको देंगे, आप SC को देंगे, आप ST को देंगे, आप छोटी से छोटी जाति को भी देंगे, लेकिन आप मुसलमान को नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान। लेकिन सर आप एक चीज़ सोच के देखिए ना, हमारे देश की राजनीति में से यानी कि अब धर्म और जात की जो राजनीति है वो सर्वोपरि हो गई है और लोगों के लिए भी हो गई है, जबकि इससे उनके राजनीति होनी चाहिए, यानी कि मुद्दों की आज आप इसमें देखोगे ना भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्मार्ट मुख्यमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उपचुनाव के समय आती है और माइक्रो कास्ट के ऊपर आ जाती है कि ब्राह्मणों में भी कौन सा ब्राह्मण है या दलित में भी कौन सा दलित है, मतलब ये जो माइक्रो कास्ट की जो बातें आ रही है राजनीति में, मुझे लगता है ये देश के लिए भी हानिकारक है। लेकिन राजनीतिक दल की मजबूरी ये है कि अगर वो ये इंजीनियरिंग शुरू ना करें, ये चीज़ें शुरू नहीं करें, मैनेजमेंट शुरू नहीं करें, तो उनका वोट बैंक नहीं बन पाता है, क्योंकि फिर बात आ जाती है मुद्दों की राजनीति की बात में, लोग मुद्दों की बात करेंगे कि मेरे घर पर सड़क नहीं है, मेरे घर पर पानी नहीं आया, मेरे घर में बेरोजगारी है, और सत्ताधारी कहते हैं 70 साल से तो दूसरी सरकार थी, अब क्या करेंगे जी, ये 70 साल से तो ये खुद तो कुछ करा नहीं इन्होंने 4 साल। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि ये जब चुनाव आते हैं तो ऐसा धुआं है और वैसा आवरण कर देते हैं कि मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती, कुल मिला के धुआंधार कर्नाटक चुनाव में मुद्दों पे बात ही नहीं हुई, धुआंधार होगा राजस्थान का भी चुनाव, महंगाई भी बात धुआंधार होगा, धुआंधार होगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि राजस्थान का चुनाव बिना मुद्दों के लड़ा जाएगा, मुद्दे बिल्कुल नहीं उठेंगे, यहाँ मुद्दे होंगे गाय का, मैं अगर यहाँ गाय का मुद्दा होगा देख लीजिए आप, मतलब यहाँ पे मुद्दे वो होंगे जो नॉन इश्यूज हैं, इनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलती है राजस्थान में। लेकिन जाकिर साहब इसमें थोड़ा सा बदलाव है, आप राजसमंद का अगर मामले का आपको याद हो, राजसमंद वाले मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने के पूरे प्रयास किए गए थे, यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्री भी उस वाले मामले पे गए थे जबकि इन्होंने उदयपुर में कहा था, लेकिन राजस्थान की जनता मैं मानता हूँ थोड़ी अलग है। देखिए मैं जनता पे कोई जनता पे हमें तो मीडिया भी सर बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे पोलराइज करने की और ये होगा। यहाँ धर्म के से ज़्यादा जाति की राजनीति चलेगी, क्योंकि राजस्थान जाति को लेकर बटा हुआ है, धर्म को लेके यहाँ पे इतना, क्योंकि गांव-गांव और शहर-शहर में जो हिंदू है मुस्लिम है वो साथ साथ है, यहाँ पे प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन धर्म को लेके राजनीति नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ जाति को लेके राजनीति जरूर होगी और मुख्य मामला जो आएगा वो दलित और स्वर्णों का आएगा, क्योंकि दलित यहाँ ज़्यादा में है और पिछली बार 2 अप्रैल को जो बंद हुआ था उसको लेके जो आपस में रिफ्ट पैदा हुआ है वो उसको बनाने का प्रयास किया। इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा बुराने की कोशिश भी करेगी, जातीय राजनीति चलेगी। राजस्थान में SC का बहुत बड़ी आबादी है ST की, तो आप वो अगर देखेंगे SC ST की सीटों को अगर आप देखें तो लगभग 60-65% के आसपास हैं दोनों, तो अगर वो इतना बड़ा एरिया जो है वो इसमें भी
जैसे अभी गुजर समुदाय एकदम से खड़ा हुआ है आरक्षण, तो आरक्षण का मामला भी कहीं ना कहीं सर, क्योंकि अगर गुजर समुदाय, अगर गुजर समुदाय है, गुजर समुदाय भी अपर कास्ट है, वो नाराज है अभी आरक्षण को लेकर, काफी नाराज है गुजर समुदाय, अपनी मांग रखेगा क्योंकि चुनाव सर पे हैं तो सरकार को प्रेशर तो बनाएगा। लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि गुजर आंदोलन सचिन पायलट की देन है, सचिन पायलट ने खड़ा किया। सचिन पायलट व्यक्तिगत रूप से जाती है, देखिए जाती है क्योंकि सचिन पायलट गुजर हैं, इसलिए आप आक्षेप लगा सकते हैं कि भाई उन्होंने किया, लेकिन ऐसा देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी स्तर पर नहीं लगाएंगे वो तो वो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। लेकिन इसमें एक चीज़ है सुशील जी, बात आती है जैसे आप अगर डांगावास वाला मामला देखेंगे तो डांगावास ऐसी जगह पे जहाँ पे जाट बहुल्य हैं और एट्रोसिटी हुई, जो मामला हुआ वो दलितों के साथ हुआ, ऐसे मामले में आप देखोगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुप्पी साधे रखी। लेकिन वो क्योंकि वो जाट को नाराज नहीं करना चाहते, और जाट के लिए अगर अगर बोलेंगे जाट के फिर में बोलेंगे तो दलित नाराज होते हैं उनसे। तो सर कर्नाटक से इस वक्त ना दो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीएस ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया, और उसके साथ साथ में बीजेपी भी अब जेडीएस के साथ संपर्क बना रही है, अमित शाह इसके अंदर एक्टिव हो गए हैं और बीजेपी जेडीएस के साथ बनाएगी सरकार, क्योंकि सरकार बनाने की सारी कोशिशें उनकी पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने हर जगह ऐसे ही बनाया है, तो इस बार भी जेडीएस, वैसे कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है जेडीएस ने। आपको क्या लगता है राज्यपाल किसको बुलाएंगे? राज्यपाल गुजरात के राज्यपाल है, आपको नाम बता दूँ वजूभाई वाला है गुजरात के राज्यपाल है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि कर्नाटक में राज्यपाल बीजेपी को इन्वाइट करेंगे, ये तय है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे। लेकिन देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाम पे नहीं, वो बीजेपी को इन्वाइट करेंगे ये पक्की बात है। वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इन्वाइट अगर ये प्रेसिडेंट को फॉलो करते तो गोवा में कर सकते थे, त्रिपुरा वहाँ पे मिजोरम में कर सकते थे, सब जगह कर सकते थे, लेकिन वहाँ किया नहीं उन्होंने। दो तीन जगह ये इस तरह के किया कि भाई वहाँ कांग्रेस की ज़्यादा सीटें, लेकिन कांग्रेस की इन्विटेशन नहीं मिला। देखिए बीजेपी की सरकार बनेगी ये तय है। और सेटिंग आपको क्या लगता है होगी? सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने सारे उसूलों को ताक पे रख चुकी है। सुचिता की बात करते थे वो इनमें नहीं बचा है, ये बात करते थे साफ पॉलिटिक्स की, लेकिन फिर भी जीत रही है जिस तरह कर्नाटका में उनकी जो उपस्थिति नहीं थी, लेकिन और इस प्रकार के आंकड़े लाना आप ये बीजेपी बधाई के पात्र है कि नहीं साहब, लोकतंत्र में तो नंबर है ना, संख्या बड़ी सब कुछ है लोकतंत्र में। जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स अच्छी है इस बात, ये बात मान लीजिए हो सकता है कुछ लोग अभी शायद वो तिलिस्म उनके दिमाग से नहीं निकला है या नहीं टूटा है कि बीजेपी कुछ कर देगी, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो हो सकता है एक बारी और शायद हो सकता है। आपको क्या लगता है लिंगायत वाला मामला कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाया? लिंगायत वाले मामले में मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ नहीं लिंगायत कांग्रेस के साथ आए, वरना अगर ऐसा होता तो यहाँ पे बहुत सारे पंडोरा बॉक्स खुल जाते, कोई कहता कि साहब मुझे बना दो, कोई कहता मुझे बना दो, बहुत नौटंकी हो जाती है। ये जो नदी जो कह रहे हैं, जो राजनीति कह रही है, राजनीति के जो दाव पे चल रहे हैं अभी, उसके बाद में शेयर बाजार भी बहुत घबरा गया, 450 अंक जबकि ऊंचा, जबकि एकदम से सुबह बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा था तो 400 अंक भाजपा था, और अभी जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार जो राजनीति चल रही है, दाव पे जो चल रहे हैं, उसके बाद में 450। देखिए मैं आपको सुशील जी एक बात बता दूं कि अगर जेडीएस अभी भी, अगर हम ये जो आंकड़े हैं अगर इसको रिजल्ट मान लें एक तरीके से, तो अगर जेडीएस और कांग्रेस अगर अपना जॉइंट मेमोरेंडम विद सपोर्ट ऑफ एमएलएज, नंबर ऑफ एमएलएज गवर्नर को सौंपते हैं, तो गवर्नर का इज कॉन्स्टिट्यूशनली ड्यूटी बाउंड टू कॉल द लार्जेस्ट ग्रुप हु एंजॉयज द मेजोरिटी इन द ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। अगर कांग्रेस बीजेपी को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर काम करते हैं तो, लेकिन मुझे लगता नहीं क्योंकि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने का भी एक प्रावधान है। नहीं प्रावधान है, लेकिन आप देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास पहले आप ये विवेक जो है ना, ये विवेक राज्यपाल का, ये राज्यपाल का विवेक है। राज्यपाल अगर अपने विवेक पे खुद अपने विवेक का खुद इस्तेमाल नहीं करे और अपने विवेक को किसी और के हवाले करके उससे बोले कि लेकिन सोचो
इससे क्या परिणाम होगी राजस्थान? बीजेपी के लिए कर्नाटक में सरकार बनानी इसलिए जरूरी है कि 2019 में उनको दक्षिण में, 2018 में दो राज्यों में चुनाव, मध्य प्रदेश राजस्थान में, दक्षिण के अंदर उनको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उनको एक सहारा चाहिए होगा। कर्नाटक में उनकी सरकार बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी बीजेपी के। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी उन राज्यों में उन पार्टियों को नहीं हरा पाई है अभी तक, रीजनल पार्टी से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाहे, लेकिन यूपी में हरा है, नहीं उत्तर प्रदेश में, बसपा दोनों बहुत बुरी तरह हारे हैं। बसपा देखिए, सुशील जी आप जो बात कर रहे हैं उसमें वहाँ पे तीन जगह पे तीन फ्रंट थे, कांग्रेस सपा बसपा, कांग्रेस और सपा साथ साथ थे, ये तीन फ्रंट थे जहाँ पर भाजपा लड़ रही थी और सपा के खिलाफ आक्रोश था क्योंकि और बाकी दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे रीजनल पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में या आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, नहीं वेस्ट बंगाल में भी नहीं आ पाएगी, बहुत मुश्किल है। मैं तो ये देख रहा हूँ सर, जेडीएस और कांग्रेस जिस तरीके से दाव पेच खेल रहे हैं और उसमें भी अगर दाव पेच उनका चल गया तो भाजपा जीत कर भी वहाँ पर चुनाव हार जाएगी। देखिए भाई, अगर देखा जाए तो मैंडेट तो नंबर ऑफ जो मैंडेट मिला है ना, वो भाजपा लार्जेस्ट पार्टी जरूर है, लेकिन भाजपा को भी पूरा मैंडेट नहीं है, उनको भी तो किसी ने भी बिना हॉर्स ट्रेडिंग के आपके साथ कोई आता है, बिना आपको कोई आके बाहर से कहता है कि साहब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप रूल करिए, तब तो एक बात समझ में आती है। सुशील जी, इस चुनाव के परिणाम से दो चीज़ें तो साफ होती नज़र आती है कि जो मोदी लहर चल रही थी उस मोदी लहर का इतना असर कर्नाटक में दिखाई नहीं दिया, यानी जिस सीटों की सर बढ़ोतरी तो हुई है, तो जिस प्रकार से सीटों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मोदी लहर ऐसी लहर थी कि ये माना जा रहा था कि ये एकदम मेजोरिटी में लहर की बात, मोदी का प्रभाव अलग है, लहर अलग है। देखो मोदी का प्रभाव है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मोदी की लहर की बात कर रहा हूँ, मोदी की लहर जो कम हो रही है, ये कम जो सुनामी संकेत है, ये संकेत है सारी पार्टी साफ हो गई थी, वो स्थिति थोड़ी सी कम हुई है। और उसके अंदर जो अहम जो रीज़न मानते थे, रीज़न क्या मानते हैं आप, जो गुजरात में भी देखे होंगे और अब कर्नाटक में भी समझ में आ रहे होंगे कुछ कुछ? देख कहीं ना कहीं इशू जो है वो वोटर के बैक साइड ऑफ द माइंड तो है ही, कि वो मानता है कि जो मेरे को चीज़ें चाहिए थी या जो मेरे से वादा किया गया था, ये लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, लोग भूल जाते हैं, लोग भूलते नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए इश्यूज तो लोगों को हैं पता है, कुछ मुझे ये जो मैंडेट आया इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट हैप्पी विद द बीजेपी, दे आर नॉट हैप्पी विद एनी द परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी, परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी, अगर ऐसा होता तो बीजेपी को सेंटर में दे देते ना। अच्छा, दूसरा अगर कांग्रेस सरकार बना जाती है तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन एक बात आपने जरूर देखी होगी, उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में एकदम से जान आ गई थी और अभी कर्नाटक के सुबह से नतीजे आ रहे तो एकदम से वापस से ठप हो गए थे, लेकिन अभी वापस से कांग्रेस, लेकिन एक बात बड़ी जोर शोर से इन दिनों सोशल मीडिया पर भी चल रही थी कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उपचुनाव के नतीजों से कि इस बार तो 2018 की सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस बनाएगी, और 120 बता भी दी थी सीटें कांग्रेस के नेताओं ने। वो देखिए वो ये सोच रहे हैं कि एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, बीजेपी है तो फिर कांग्रेस, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, यू आपने डाइस फेंका और पहले 6 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसा नहीं है, वो आ कुछ भी सकता है, बीजेपी भी आ सकती है अगर बीजेपी अपने हाउस को ऑर्डर में रखे और तरीके से चुनाव लड़े तो, और अगर कांग्रेस मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस अगर वास्तव में, क्योंकि मुद्दे कांग्रेस के पास खूब है और बीजेपी से लोग दुखी हैं स्टेट में, आप कहीं भी चले जाए दवाइयाँ नहीं मिल रही, सड़कें खराब हैं, पानी नहीं है, सुनवाई नहीं है, सबसे बढ़िया सुनवाई नहीं, आप प्रशासन अधिकारी नहीं फोन उठाते, लोगों से मिलते नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही, और मनरेगा में जो पहले काम मिल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लगभग नहीं हो रहा है, तो मुद्दे तो खूब सारे हैं, लेकिन देखना ये कि कांग्रेस कितनी मजबूती से उनको उठाती है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करती है। गुजर नेताओं का कहीं ना कहीं सपोर्ट हार्दिक पटेल राजस्थान में जिस तरीके से आ रहे हैं, हिडन एजेंडा दिखाई दे रहा है कहीं गुजर और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का कांग्रेस, हिडन
देखिए राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, बट कहीं ना कहीं एक छुपी हुई राजनीति, छुपी जो आप छुपी क्यों गएंगे भाई, अगर वो सपोज करिए, अगर सपोज करिए वो कर रहे हैं तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेगा ना, वो और क्या करेगा, अगर राजनीतिक दल ही राजनीति नहीं करेगा तो फिर आप हमें थोड़ी करेंगे। देखिए राजनीति यानी कि सोच के देखिए ना सर, पटरी के ऊपर कोई लोग बैठे हैं, दलित नेता सड़कों पर आते हैं, मेरा ये मानना है गुजरों से ज्यादा है ना दलित कार्ड प्रभाव डालेगा, उसको खेलता बीजेपी ढंग से खेल पाती है या कांग्रेस ढंग से खेल पाती है, गुजरों का जो कार्ड था वो पिछले दो चुनाव में नहीं दिखाया गया। दलितों में भी देखिए, दलित भी इस बार शायद कांग्रेस की तरफ थोड़ा वो तो जाएगा, आप जो पहले ही छिटका था वो वापस कांग्रेस नहीं, लेकिन जाकिर साहब एक नई बात कर्नाटक में चली है कि राइट दलित और लेफ्ट दलित, वो एक नई कंसेप्ट आई है कि जो दलित पढ़ लिख ली गया है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। और जो चर्चा के दौर में अपन आखिरी उसमें वार्तालाप में चलते हैं, और आखिरी में अपन यही देख लेते हैं कि इस बार कांग्रेस बीजेपी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी मुद्दों पर, और अमित शाह नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियाँ क्या जैसे कर्नाटक में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई थी, ठीक उसी प्रकार क्या यहाँ पर भी रहेगी, और राहुल गांधी अब प्रदेश के अंदर अपनी रणनीति क्या बना सकते हैं, पहले शुरुआत आप। देखो सचिन पायलट के अगर नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पे सचिन पायलट सिर्फ मुद्दों की राजनीति करते हैं, मैंने उनको कई बार कवर किया, पिछले 9 साल से मैं उनको कवर कर रहा हूँ। पायलट मुद्दों पे लड़ेगा, बिना जाति को बांटे लड़ेगा, अंदर क्या होता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन सचिन पायलट ने चूँकि गाँव देखा है राजस्थान का, उसमें यहाँ की समस्या मालूम है उनको, लोगों का समीकरण मालूम है। कांग्रेस सचिन पायलट के नेतृत्व में मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी भी वही मुद्दे उठाएंगे जो कि सचिन से फीडबैक मिलेगा, बीजेपी जो है वो अपनी उपलब्धियां गिनाने में और जातियों के समीकरण के ऊपर चुनाव लड़ेगी, ये मेरा मानना है। बीजेपी अपने चिर परिचित अंदाज में चुनाव लड़ेगी, हाँ वही 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 कम्युनल पॉलिटिक्स खेलेगी, सारे वो सब कम्युनल एंगल्स को एक्सप्लोर करेगी, बात जरूर वो कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो करेंगे नहीं। और अगर देखिए बीजेपी शायद अगर इस बार हो सकता है, मैं तो जो मैं अभी नाम ले रहा था जिन दो MLAs की, अगर उनको टिकट नहीं देती है तो शायद बीजेपी ये मैसेज दोबारा देना चाहेगी कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अभी तक मैं नहीं कहता कि देगी नहीं देगी, लेकिन क्योंकि दो ही आदमी हैं उनके पास और दो में से एक कैबिनेट मंत्री हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता, अगर बीजेपी जिस तरीके से बाकी स्टेटों में नहीं दिया है, अगर यहाँ भी नहीं देती है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी अब उस सॉफ्ट हिंदुइज्म पड़ी है कि वो बिल्कुल हार्ड लाइन पे हार्ड लाइनर्स रही, उनको सॉफ्ट हिंदुत्व की और वो सब जरूरत नहीं है। और उसके अलावा मुद्दे आएंगे उछलेंगे, लेकिन फिर वो धुएं में उड़ जाएंगे, और जिस तरीके की मोदी और अमित शाह की रणनीति है कि वो ऐसे एजेंडा सेट करते हैं जिसमें मुद्दे रहे ही नहीं, मतलब वो डिस्कोर्स को इतना बुरी तरीके मतलब इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि उसमें मुद्दा चाहे नौकरी बेरोजगारी किसी तरीके का मुद्दा टिकता नहीं, और वो आदमी उसी में उनके इमोशनल जो एक भाषण जो है वो रिलैक्स कर देते हैं आदमी को, तो वो सारी टेंशनें भूल जाता है। वो करेंगे और कर्नाटक की राजनीति का वो किस करवट बैठेगा ये देर शाम तक सभी को मालूम पड़ जाएगा, और हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि कर्नाटक में इसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस अपनी कोशिश में लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कोशिश में लगी है। हम पूरी चर्चा के अंदर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस कर्नाटक चुनाव के नतीजों का राजस्थान के अंदर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस क्या दाव खेलेगी और बीजेपी क्या दाव खेलेगी, आज की चर्चा में केवल